हम आपको बड़ी खबर दे देते हैं। रेवाड़ी में धुंध से बेकाबू ट्राला दुकान में जा घुसा और दुकानदार के ऊपर चढ़ गया। दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई और ड्राइवर के भी दोनों पैर कट गए। पूरी खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में सोमवार को कोहरे का कहर देखने को मिला। रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर गांव पालावास मोड़ पर एक अनियंत्रित ट्राला फ्रूट की दुकान के अंदर जा घुसा। हादसे में दुकानदार की मौके पर मौत हो गई जबकि ट्राला चालक उसमें पूरी तरह से फंस गया जिसकी वजह से उसके दोनों पैर कट गए। गंभीर रूप से घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी घटना स्थल की जहां पर दुकान में ये ट्राला जा घुसा है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार रेवाड़ी जिले के गांव पालावास निवासी कृष्ण कुमार जिसकी उम्र करीब 65 वर्ष है अपने गांव के बस अड्डे पर फ्रूट की दुकान की हुई है। रोजाना की तरह सोमवार सुबह वह दुकान खोलकर अंदर काम कर रहा था। इसी दौरान रेवाड़ी की तरफ से एक अनियंत्रित ट्राला सीधे उसकी दुकान में जा घुसा। ट्राले का अगला हिस्सा कृष्ण कुमार के ऊपर चढ़ गया जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में ट्राला चालक अंदर केबिन में फंस गया। काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। उसके दोनों पैर कट चुके हैं। उसे शहर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी मौका स्थल की। लोगों ने क्रेन को बुलाकर ट्राला को बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा करीब सुबह 8 बजे हुआ। उस वक्त हाईवे पर घना कोहरा रहता है। विजिबिलिटी महज 10 मीटर से भी कम है। ट्राला हाईवे से कोसली की तरफ मुड़ रहा था तभी हादसा हो गया। रोहड़ाई थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये पूरा हादसा हुआ तो कैसे हुआ। फिलहाल इतना ही। फिर आते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।